नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। मैं मदार से जेपी नगर मदार अजमेर से रहती हूँ और मैं पहले घर पे ही सिलाई करती थी, जिसकी वजह से मैं खुश नहीं थी। और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर नावार बैंक की तरफ से 20 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी वजह से मैंने ट्रेनिंग ली और यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हुडीज, टी शर्ट, लोअर वगैरह सीखने को मिले, जिसकी वजह से मैं नावर बैंक और युवा जागृति संस्था को धन्यवाद करती हूँ। और उसकी वजह से मुझे दर्जी ऑनलाइन में काम करने का मौका मिला, इसके लिए मैं दर्जी ऑनलाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नाबार्ड का और साथ में दर्जी ऑनलाइन का। युवा जागृति संस्थान को नाबार्ड ने एलईडीपी के तहत गारमेंट्स मेकिंग की 60 महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अजमेर में स्वीकृत किया। हमारे द्वारा यहां दो बैचों में इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक बैच का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार मुहैया कराया है। हम धन्यवाद देंगे दर्जी ऑनलाइन को और सेठा सिंह जी और पूरी टीम को कि इन्होंने इन महिलाओं की जो काबिलियत थी, जो प्रशिक्षण के दौरान इन महिलाओं ने जो हुनर सीखा था, उस हुनर को एक मुकाम और एक मंजिल प्रदान करने के लिए इन्होंने अपनी इकाई के ऊपर इन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया है। ये महिलाएं यहाँ पर आधुनिक जो मशीनें हैं उनके ऊपर ये गारमेंट्स मेकिंग के जो अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट इनकी टीम के द्वारा यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्जी ऑनलाइन और विशेषकर मैं नाबार्ड को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने युवा जागृति संस्थान को अजमेर में यह प्रशिक्षण प्रदान किया। धन्यवाद। नमस्कार, आज नाबार्ड और युवा जागृति संस्थान के सहयोग से जो 30 महिलाओं को उन्होंने सिलाई की ट्रेनिंग दी थी, आज उसी ट्रेनिंग में जिन महिलाओं ने 20 दिन का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन सभी 30 महिलाओं को दर्जी ऑनलाइन के यहाँ पे एक उनके लिए जॉब दिया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है कि नाबार्ड और युवा जागृति संस्थान ने यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जो ये सिलाई का ट्रेनिंग दी है, उसको हमने उन सभी महिलाओं का हमने इंटरव्यू लिया और उन सभी का इंटरव्यू लेके हमने उनके काम को देखा और उन सभी 30 महिलाओं को हम हमारे यहाँ पे जॉब दे रहे हैं। मैं युवा जागृति संस्थान और नाबार्ड को धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरह की एक्टिविटी करके ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ पे हमें ये अवसर दिया, उसके लिए युवा जागृति और नाबार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद।